तो गाइस इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तब पैदा होती है, तब शुरू होती है जब मार्केट खुल जाती है और ट्रेडर को नहीं समझ आता कि भैया कहां पे काम करें, कौन से स्टॉक में काम करें, कौन सा स्टॉक जो है आज बड़ा मूव दे सकता है, कौन सा स्टॉक है जिसमें आज बिग पॉइंट्स निकल सकते हैं। क्योंकि गाइस एक ट्रेडर साथ होता क्या है, वो ए स्टॉक में काम कर रहा होता तो बी स्टॉक जो है वो बड़ा मूव देता है, अगले दिन वो बी स्टॉक में जाके काम करता है तो सी स्टॉक जो है वो बड़ा मूव देता है, डे एंड पे वो जाके देखता है कि भैया उसका तो कुछ पैसा नहीं बना, उसके स्टॉक में कोई मूवमेंट ही नहीं आई, पर बाकी सारे स्टॉक, बाकी ऐसे कई सारे स्टॉक्स उसको नजर आते हैं जहां पे 5% कम हुआ गया, 10% कम हुआ गया, 15% कम हुआ गया, जहां पे जैकपॉट अपॉर्चुनिटी थी वहां पे उसने काम नहीं किया, वो ऐसे स्टॉक को ट्रैक करता था जहां पे पूरे दिन कोई मूव ही नहीं आया। कई बार क्या होता है कि ट्रेडर की पहले से तैयारी भी होती है, मार्केट खुलने से पहले अपनी तैयारी करनी चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए, पर गाइस होता क्या है, वो स्टॉक फिर भी नहीं चलता। कई बार क्या होता है, हम ऐसे कुछ वीडियोस भी देख लेते हैं यूट्यूब के ऊपर जहां पे बताया जाता है कि भैया कल ये स्टॉक जो है ताबड़तोड़ चल जाएगा, यहां पे जबरदस्त कमाई कर जाएगा, पर वहां पे सारा दिन ट्रेडर जो है उस स्टॉक को ट्रैक करता रहता है, वहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं निकलती और वो स्टॉक जो है बिल्कुल डंप हो जाता है, वो स्टॉक जो है बिल्कुल फेल हो जाता है, वहां पे कोई मूवमेंट नहीं आता, बाकी स्टॉक जो है वो बढ़िया चल रहे होते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही चीज सिखाने वाला हूं कि आप खुद किस तरीके से इस तरह के स्टॉक जो है आइडेंटिफाई करोगे। आपको किसी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, किसी की आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ये चीज करनी है बड़ा मुंह आने से पहले किस तरीके से ये स्टॉक जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। किस तरह का ऐसा चार्ट पे इशारा आता है, किस तरह का ऐसा चार्ट पे पैटर्न बनता है जो आपको बताता है कि भैया अब मैं गिरने के लिए तैयार हूं, अब मैं बड़ा मूव देने के लिए तैयार हूं, और ये चीज आप अपनी आंखों से देखोगे। साथ ही साथ गाइज सिर्फ यही चीज नहीं सीखने वाले कि किस तरह का पैटर्न बनेगा, किस तरीके की चार्ट पे फॉर्मेशन होगी, ये चीज जो है किस तरीके से हम इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टॉक जाके देख पाना एक ट्रेडर के लिए मैनुअली पॉसिबल नहीं है। हजारों स्टॉक हैं, आप कहां कहां पे जाके कौन कौन स्टॉक देखते रहोगे, कितना टाइम आप लगाओगे इस चीज में, तो आप लोगों को मैं ये तरीका भी बताने वाला हूं किस तरीके से आप एक बटन क्लिक करके, सिर्फ आपको एक बटन क्लिक करना और आपको पता चल जाएगा कि भैया यहां पे ये स्टॉक जो है, यहां पे ये पर्टिकुलर चार्ट पे ये फॉर्मेशन हो रही है, इस तरह का पैटर्न बन रहा है और यहां से अब ये गिरने के लिए तैयार है। आपके पास 10-15-20 स्टॉक की लिस्ट होगी जिसमें से आप 2-4 ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो जहां पे आप जाके कुछ अपने थोड़े से और एफर्ट्स डालो और वहां पे आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जो है मिल सकते हैं बहुत ही मिनिमल एफर्ट्स के साथ। तो गाइस मेरी जो भी ट्रिक्स होती है, जो भी स्ट्रेटेजी होती है, मैं कोशिश करता हूँ उनको सिंपल से सिंपल रखूँ, सिंपल से सिंपल, इजी से इजी, ताकि कोई भी एक मतलब बिल्कुल एक बिगनर जो है उसको भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए जब वो प्रैक्टिस करे, जब वो एनालिसिस करे। और एक और चीज़ गाइस देखिए, यहाँ पे आपको चार्ट पे नजर आ रहा होगा, चार्ट पे आपको नजर आया कि मार्केट ने एक ऊपर की तरफ का मूव दिया और उसके बाद यहाँ पे चार्ट पे कुछ ऐसा पैटर्न बना, ऐसा साइन आया जिसके बाद बड़ी गिरावट आ गई। और ये चीज एक बार नहीं हुई, फिर दोबारा से यहाँ पे एक ऊपर की तरफ का मूव आया और यहाँ पे चार्ट पे एक ऐसा पैटर्न बना जिसके बाद एक बड़ी गिरावट आ गई। गिरावट तो बड़ी आ गई, बड़े पॉइंट्स भी वहां पे निकल आए, पर आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कैसे गेन करोगे? प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार जब आप ये चीज होते हुए देखते हो, जब आप 10 स्टॉक 15 स्टॉक 20 स्टॉक या फिर 100 स्टॉक्स 1000 स्टॉक खुद जाके जब मैन्युअली आप देखोगे और वो चीज़ बार बार आप चार्ट पे होते हुए देखोगे कि भैया अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं कितने का छोटा सा एसएल था, एसएल हिट हुआ तो कितनी बार हुआ, एसएल जब नहीं हिट हो रहा तो वहाँ पे कितने बड़े बड़े रिवॉर्ड आ रहे हैं, क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, कितनी बार ये चीज़ चलती है, कितनी बार ये चीज़ फेल होती है और चलती है तो क्या ताबड़तोड़ पॉइंट दे जाती है। क्योंकि इस होता क्या, देखिए ट्रेडर जो है बहुत सारी स्ट्रेटजी ऐसे सीख लेते हैं, स्ट्रेटजी सीख लेते हैं, वो स्ट्रेटजी जो अगले दिन जाके अप्लाई करते हैं, वो स्ट्रेटजी जो चल भी जाती है, यहाँ से एक फॉल आ गया जिसने 100 पॉइंट का मूव दे दिया पर उसमें से वो सिर्फ 5 पॉइंट कैप्चर कर पाते हैं, 10 पॉइंट कैप्चर कर पाते हैं, क्योंकि उनके लिए 5-10 पॉइंट काफी है। ये चीज उन्होंने सीखी है कि भैया 5-10 पॉइंट लेके फटाफट से मार्केट से बाहर निकलो, पर जब वो दिन के आखिर में देखते हैं भैया 5 पॉइंट का प्रॉफिट लिया गया स्टॉक में और वो स्टॉक तो 100 पॉइंट चल गया, तब उनको दिन के आखिर में अफसोस होता है कि मैंने 5 पॉइंट ले लिया, जहां पर मेरे 5,000 बने वहां पर मेरा 1,00,000 रुपया बन सकता था, रिस्क कितना था 5 पॉइंट का, वहां पर रिवॉर्ड ले लिया आपने 5 पॉइंट का और उसमें 100 पॉइंट निकल सकते, तो गाइस किसी को भी अफसोस हो गई होगा। पर ये कॉन्फिडेंस ट्रेड को होल्ड करने वाला आप कैसे गेन कर सकते हो, जब आप बार बार वो चीज होते हुए देखते हो, जब आप प्रैक्टिस की होती है, आपको कॉन्फिडेंस होता है अपने स्टार्टअप के ऊपर, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर, राइट। तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा पहले बताया था कि किस तरीके का ये सेटअप है, तो हम यहां पे रिवर्सल्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल को, और वो जो रिवर्सल है वो ऊपर की तरफ, मतलब मार्केट जो है ट्रेंडिंग हुई, मार्केट जो है ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ जाने के बाद पीक बनाने के बाद जब वो मुड़ेगी, जब वो रिवर्स होगी, तो उस रिवर्सल को हमने कैप्चर करना है। तो गाइस देखिए मार्केट जब गिरेगी तब भी इसको कैप्चर कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जा रही तब भी इसको कैप्चर कर सकते हैं, साइडवेज मार्केट में भी कैप्चर कर सकते हैं, पर यहाँ पे इस वाली वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जाने के बाद एक पीक बनाने के बाद हमें जब वो साइन देगी, चाहे वो साइन यहीं पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, जहाँ पर भी आएगा तो वहाँ से मुड़ने के, मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस जो है काफ़ी हाई रहते हैं और इसको हम पकड़ेंगे। पर अगर आप इस तरह की वीडियो जो है पसंद करते हैं, अगर आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिलता है, तो भैया वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि मुझे पता चले कि भैया इस तरह की वीडियो आपको पसंद आती है, तो
जो नीचे की तरफ जो मार्केट गिरती है, जब एक मार्केट में फॉल देखने को मिलता है, वहां से वी शेप रिकवरी को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, यहां पे ऐसा चार्ट पे क्या पैटर्न बनेगा, क्या एक साइन होगा जब स्टॉक मुड़ने वाला है, जब स्टॉक बड़ी रिकवरी करने वाला है, तो हमें कैसे पता चलेगा, हम उसको कैसे पकड़ेंगे, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। और एक और चीज गाइस, वीडियो को लाइक तो आप लोगों को करना ही करना है, साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर आप इस चैनल पर नए हो, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सेटअप, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं आगे भी आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं काफी सारी वीडियो ऐसी बना भी चुका हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। पीछे जाके कुछ और ऐसे लर्निंग वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हो, जो आपको एनालिसिस करने में डेफिनेटली हेल्पफुल होंगी, डेफिनेटली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। राइट गाइस, चलिए तो हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में जा रही है, अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पे एक चार्ट पे उसने ऐसा पैटर्न बनाया जो कि हमें साइन दे रहा है, जो कि अभी हम आगे सीखने वाले हैं कि ये कौन सी कैंडलस्टिक है, और उसके बाद वहां से एक बड़ा फॉल आ गया। तो गाइस, ये जो फॉल है ये एक अपसाइड मूवमेंट के बाद आएगा। हमें जो स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं, ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं जहां पे अपसाइड मूवमेंट आ चुका है, या तो कोई बड़ा मूव आ चुका है, या फिर मार्केट गिरने के बाद या स्टॉक गिरने के बाद जब वो रिट्रेस करके कुछ ऊपर जाता है, जब वो रिवर्स होता है, तो इस टाइम पे भी एक गिरते हुए एक फॉलिंग स्टॉक में भी रिट्रेसमेंट के टाइम पे हम इसको तब भी पकड़ सकते हैं। एक राइजिंग स्टॉक जो ट्रेंडिंग स्टॉक है ऊपर की तरफ जा रहा है, या फिर एक फॉलिंग स्टॉक जो गिरने के बाद रिट्रेस कर रहा है, अब रिट्रेस करने के बाद अब वो दोबारा से अपना ट्रेंड जो है कंटिन्यू कर रहा है, जो उसका बेरिश ट्रेंड था आगे के लिए, वो वही कंटिन्यू करने वाला है। तो ये दोनों टाइम पे दोनों चीजों में हम इस तरह का पैटर्न जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह का पैटर्न अगर हमें किसी भी केस में देखने को मिले तो वहां पे हम अपनी एंट्री जो है बना सकते हैं, छोटे से रिस्क के साथ बड़े रिवॉर्ड के लिए। राइट गाइस, तो बड़े रिवॉर्ड वाली गेम जो है ऑलवेज ध्यान रखना, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भैया जब तक आप अपनी गेम को चेंज नहीं करोगे, जब तक आप छोटे छोटे पॉइंट्स लेके निकलते रहोगे, तो एंड ऑफ द मंथ आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। जब आपने बड़े पॉइंट्स वाली गेम सीख ली, जब आप ये बड़े पॉइंट्स वाली गेम समझ जाओगे कि किस तरीके से बड़े पॉइंट्स निकलते हैं, तो आएगा मजा, तो आपको एंड ऑफ द मंथ खुशी भी होगी अपना अकाउंट देख के। राइट गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या बोलते हैं? इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बोलते हैं हैंगिंग मैन, जो कि रिप्रेजेंट करता है, जो कि दिखाता है कि भैया एक बड़ा सेल ऑफ आ गया। ये कैंडल अपने आप में बताती है कि भैया एक बड़ी गिरावट आई ओपन होने के बाद, जहां पे प्राइस ओपन हुआ वहीं पे ओपन होने के बाद एक बड़ी गिरावट आ गई, पर उसके बाद बायर्स ने प्राइस को वापस ऊपर की तरफ पुश किया और नियर ले गया ओपनिंग प्राइस के। पर कहीं ना कहीं गाइस, ये कैंडल बताती है कि अब बायर जो है अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं, अब बायर जो है कमजोर पड़ते जा रहे हैं और जल्दी ही रिवर्सल आने वाला है। समझ रहे हैं आप? तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, अगर प्राइस जो है लगातार ऊपर की तरफ बन रहा है, ऊपर जाने के बाद यहां पे कुछ इस तरह की कैंडल ये बन जाती है, तो ये कहीं ना कहीं बताती है कि अब बायर जो है अपना कंट्रोल लूज करते जा रहे हैं, प्राइस को ऊपर की तरफ बार बार पुश करते जा रहे थे, अब उनमें उतनी ताकत नहीं बची, और अब ये कैंडल जो है कहीं ना कहीं हमें साइन दे रही है कि अब यहां से मार्केट जो है पलटने वाली है और बड़ी गिरावट आने वाली है। तो हम ये जो पैटर्न देखेंगे, हम ये जो कैंडल देखेंगे, वो ऊपर की तरफ, जब ट्रेंडिंग मार्केट है ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसमें मैंने दो कंडीशन बताई, या तो ट्रेंडिंग मार्केट है ऊपर की तरफ जा रही है, या फिर एक गिरावट के बाद जब रिट्रेसमेंट आ रही है, रिट्रेसमेंट आने के बाद जब इस तरह की कैंडल बन रही है जहां पे एक बॉडी है जो कि बिल्कुल कैंडल के ऊपर है, छोटी सी बॉडी है कैंडल के ऊपर है, और इसकी पहचान क्या होती है गाइस? देखिए, इसमें दो तीन चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। कैंडल को देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, इसका कलर जो है रेड भी हो सकता है, इसका कलर जो है ग्रीन भी हो सकता है। यहां पे अभी आपको नजर आ रहा है कि ऊपर की तरफ विक नहीं है, पर इसकी छोटी सी विक ऊपर की तरफ भी हो सकती है, इसकी छोटी सी विक ऊपर की तरफ भी हो सकती है, पर नीचे वाली जो विक है वो काफी बड़ी होती है। अब छोटी सी विक ऊपर की तरफ अगर आपको देखने को मिलती है, हो सकता है इस कैंडल का नाम जो है वो बदल जाए, नाम जो है वो बदल सकता है, पर इसका काम नहीं बदलेगा, इसका काम वही रहेगा जो कि हमें एक साइन दे रहा है कि भैया अब बड़ी गिरावट आ सकती है, बायर जो अपना कंट्रोल जो है लूज कर रहे हैं। और साथ ही साथ गाइस, ये जो कैंडल बनती है इसके लिए मल्टीपल कैंडल्स होने की जरूरत नहीं थी, काफी सारे कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस होती है, काफी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जहां पे कोई कैंडल जो है दो कैंडल इकट्ठे बनेगी वो आपको कुछ साइन देगी, कई बार तीन कैंडल्स को देखा जाता है, कई बार चार को, कई बार छह को भी देखा जाता है। पर ये जो कैंडल है, जैसे यहां पे मेंशन है कि भैया सिंगल कैंडल है, सिंगल कैंडल फॉर्म होगी, इसके लिए आपको मल्टीपल कैंडल देखने की जरूरत नहीं है। ये कैंडल कहां पे दिखेगी? बिल्कुल आपको ट्रेंड के टॉप पे, मतलब ऊपर की तरफ जो मार्केट जा रही है, तो बिल्कुल टॉप पे ये कैंडल बननी चाहिए। और ये कैंडल जो है भाई, ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, तो लाल रंग को देख के मत समझना कि ये बुलिश है या बेरिश है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। ये नहीं सोचना कि हरे रंग की है तो भैया बुलिश होगी, लाल रंग की है तो ये बेरिश होगी, तो ये रिवर्सल का साइन देगी, नहीं मेरे भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कैंडल है क्या ये हमें एंट्री कराती है? नहीं, ये कैंडल जो है एक वार्निंग देती है, ये एक अलार्मिंग है, ये एक ऐसा साइन है जो कि हमें बताता है कि अब यहां से जो रिवर्सल आ सकता है, पॉसिबल रिवर्सल है, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है रिवर्सल की इस कैंडल में। जैसे कि मैंने बोला कि ऊपर के विक जो है इस पे ज्यादा गौर नहीं करना, हो सकता है कई बार विक बने, या ये भी हो सकता है कि जो ओपन प्राइस है और हाई प्राइस है वो सेम रहे। तो ये कैंडल जो है, इसमें होता क्या है, इस कैंडल की पहचान क्या है? इस कैंडल में ऑलमोस्ट
जो ओपन प्राइस है, हाई प्राइस है, क्लोज प्राइस है, वो ऑलमोस्ट सेम होगा, यहाँ की या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज होगा। हाई, क्लोज और ओपन प्राइस, ये तीनों एक दूसरे के पास होंगे। इसकी जो नीचे वाली विक है वो काफ़ी बड़ी होगी, नीचे वाली विक जो है वो अपनी बॉडी के 2 टाइम या फिर उससे भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, या मिनिमम 2 टाइम तो होनी ही चाहिए। है गाइस, समझ गए आप ये? तो गाइस मैं आपको जो भी कैंडलस्टिक आप लोगों को सिखाऊंगा या जो भी इस तरह के पैटर्न बताऊंगा, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और इस तरीके से बताऊंगा कि आप जिससे भूलो ना। देखो, आपको कैंडलस्टिक का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भैया ये कैंडल जो है किस तरह की बन रही है। कुछ लोग इसको हैमर बोलेंगे, कुछ लोगों को ये हैमर नजर आएगी, और ये हैमर है भी, और मेरा आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि ये हैमर है, पर इस सिचुएशन में इसको हैमर नहीं बोलेंगे, इसको हैंगिंग मैन ही बोलेंगे। तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार बताना मुझे कि इसको हैमर क्यों नहीं बोलेंगे, हालांकि ये हैमर है, पर जिस केस की हम बात कर रहे हैं, जहां पे जिस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम इस कैंडल के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे इसको हैमर नहीं बोल सकते, वहां पे इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। हैमर जो कैंडल बनती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, जो हैंगिंग मैन बनता है वो तो हमने जान ही लिया कि हैंगिंग मैन एक साइन है रिवर्सल का, कि अब यहां से मार्केट जो है पलटने वाली है, और पलटने नहीं वाली, सिर्फ और सिर्फ गिरने वाली है। मतलब पलट तो नीचे ही सकती है, पलटने वाली है और पलट के नीचे गिरने वाली है। तो ये चीज का ध्यान रखना, वो हमें हैंगिंग मैन ही बताती है। हैमर का क्या काम है वो मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कि आपकी नॉलेज किस तरीके की है, और आपकी नॉलेज अगर नीचे आप कमेंट करोगे तो डेफिनेटली वो नॉलेज जो है बाकी ट्रेडर्स की भी कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली है। और अगली वीडियो में हैमर के ऊपर ही बनाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम हैमर का यूज़ कर सकते हैं, और वो हमें क्या बताती है, और हैमर के जरिए किस तरीके से हम बड़े मूव जो हैं, बड़े रिवर्सल कैप्चर कर सकते हैं। और गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसको ऑटोमेट करें, क्या तरीका है। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ऑटोमेशन, मतलब कि ऑटोमेटिकली हम आइडेंटिफाई करना, हजारों स्टॉक हैं, हम एक एक स्टॉक जाके नहीं देख सकते पर्टिकुलरली कि भैया ये फॉर्मेशन जो है कहाँ पे हो रही है। कोई ऐसा तरीका जो एक बटन दबाने पे हमें पता चल जाए कि भैया यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है यहाँ पे हैंगिंग मैन बन रहा है, वो भी कब, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, जब स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाने के बाद पीक बनाने के बाद, अब यहाँ पे एक उसने एक साइन दिया कि भैया यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक हैंगिंग मैन बना रहा है, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी कि अब यहाँ से ये पलट सकता है, राइट अब यहाँ से पलट सकता है। तो हम यहाँ पे जाके इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हमें निकालने चाहिए दिन के दौरान, 8, 10, 15 स्टॉक निकालने चाहिए, पर 15 के 15 में हमें ट्रेड नहीं करना होता, 15 में से कोई ऐसे 2-3 स्टॉक जहाँ पे हमें हाई प्रोबेबिलिटी नजर आती है उनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए, और जहाँ पे एंट्री मिले। अब 2-3 स्टॉक में भी हर जगह एंट्री नहीं मिलेगी, हैंगिंग मैन बनने के बाद हो सकता है कि यहीं पर मार्केट घूमती रहे, आज यहाँ पर नहीं गिर रही कल गिरे, पर ये भी हो सकता है कि सेम डे ही यहाँ पे ये गिरने का साइन दे दे, सेम डे ही यहाँ पे गिर जाए, और सेम डे ही हम एंट्री करके यहाँ पे अपना बड़ा पॉइंट कैप्चर कर लें। राइट गाइस, तो हमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीका है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस देखिए, आपको करना क्या है, आपको सिंपली गूगल पे जाना है, और वहां पर टाइप करना है, आपको फाइंड करना है हैंगिंग मैन, देन चार्ट इंक 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे, और सबसे पहले आपके पास सर्च ऑप्शन में वही निकल के आएगा, इस पे सिंपली क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, चार्टिंग की साइट पे आपको ले जाएगा, और यहाँ पे आप जाके देखिए नीचे कितने सारे स्टॉक्स इसने आपके लिए आइडेंटिफाई कर दिए, जहाँ पे इस तरीके का चार्ट पे साइन नजर आ रहा है, जहाँ पे इस तरीके का रिवर्सल जो है चार्ट पे नजर आ रहा है, जहाँ पे हैंगिंग मैन जो है वो नजर आ रहा है, और वहां से अब रिवर्सल जो है ये पर्टिकुलर स्टॉक दे सकता है। देखिए एक एक करके खोल के देखते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले ये चार्ट जो है ये है इंडियन बैंक का, और यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है, तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पैटर्न जो है पहली बार नहीं बना, इससे पहले ही बना है। यहाँ पे देखिए चार्ट पे ऊपर की तरफ का मूव देखने को मिला, उसके बाद एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी, और यहाँ पे एक फॉल देखने को मिल गया, उसके बाद अभी यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे हैंगिंग मैन बना रहा है, और यहाँ पे एक फॉल पॉसिबल है, देखने को मिल सकता है। उससे पहले भी इसने ऐसा किया है, यहाँ पे देखिए एक ऊपर की तरफ का इसने ट्रेंड दिखाया, और उसके बाद यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल बनी, और यहाँ पे देखिए फॉल हमें देखने को मिल गया। यहाँ पे नीचे जाने के बाद, जैसे कि मैंने बोला था, कुछ रिट्रेस भी कर सकता है, नीचे गिर रहा था, गिरने के बाद इसने कुछ रिट्रेस किया, ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल बनाई, और उसके बाद एक हैंगमैन हमें एक साइन दिया, और उसके बाद वहां पे एक बड़ी रेड कैंडल बन गई, बड़ी गिरावट आ गई। और यही चीज देखिए, यहां पे भी गिरावट आई थी, गिरावट आने के बाद ये ऊपर की तरफ गया, रिट्रेस किया, उसके बाद हैंगमैन बनी, नीचे की तरफ गिरावट आ गई। तो यहां पे भी अब ये तैयार है नीचे की तरफ कोई गिरावट दिखाने के लिए, पर डे एंड पे हमें इसको नहीं देखना, हमें कल की तैयारी आज नहीं करनी। लाइव मार्केट के अंदर मार्केट चल रही होती है, उस दौरान अगर ये इस तरीके का कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, इस तरीके का साइन देता है, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी जो है बढ़िया निकल सकती है। क्योंकि अगले दिन क्या होगा, अगले दिन हो सकता है कि बड़ा गैप डाउन दे दे,
बड़ा गैप डाउन दे दो, उसको कैसे पकड़ोगे, उसको नहीं पकड़ पाएंगे। तो हमें ये चीज जो है मार्केट खुलने से पहले नहीं करनी, हमें इंट्राडे के दौरान मार्केट के दौरान ये चीज अप्लाई करनी है और मार्केट चलती हुई मार्केट के अंदर इस तरह से हमें बार बार फिल्टर करना है। आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद फिल्टर करके देख लो, आधे घंटे बाद दोबारा से जाकर उसको रिफ्रेश करके देख लो, क्या कुछ नए स्टॉक ऐड हुए हैं, क्या कोई ऐसा स्टॉक है जो ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ जाने के बाद अब यहाँ पे एक हैंगमैन कैंडल बना रहा है, अब यहाँ पे गिरने की तैयारी में है, तो क्या मैं इसको पकड़ लूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको पकड़ा जा सकता है और बहुत इफेक्टिवली काम करता है गाइस ये। चलिए आइए कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं। तो गाइस जो अगला स्टॉक है वो है एस्ट्रल, और यहाँ पे देखिए एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ। अभी ये स्टॉक जा रहा है पर ऊपर की तरफ जाने के बाद अभी यहाँ पे हैंगमैन कैंडल बन रही है, कैंडल बन रही है। और यहाँ पे देखिए गाइस, जैसे मैंने बोला छोटी विक जो है इसका ध्यान देने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है जो बॉडी है ऊपर की तरफ बननी चाहिए, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस और जो हाई है, वो तीनों चीज़ें एक दूसरे के आसपास होनी चाहिए। नीचे वाला जो विक है इसका वो बड़ा होना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो कि कंडीशन अभी मीट करता भी है। तो गाइज अगला स्टॉक जो है वो है अवंती फीड का, एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए ये जो क्राइटेरिया है मीट नहीं होता, क्योंकि अवंती फीड का स्टॉक जो है एक छोटी सी रेंज के अंदर काम कर रहा है, एक छोटी सी रेंज के अंदर काम कर रहा है, यहाँ पे कोई अप ट्रेंड नहीं है, अप ट्रेंड के बाद हम रिवर्सल को कैच कर रहे हैं। जब छोटी सी रेंज के अंदर काम कर रहा है तो वहाँ पे अगर हैंगमैन बनता भी है तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, तो इसको हम अवॉइड करके चलेंगे। तो यही चीज़ मैंने बोली ना कि बहुत सारे स्टॉक जो है, बहुत सारे स्टॉक्स में जाके हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं इंट्राडे के दौरान कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जहाँ पे ट्रेंडिंग है, ऊपर की तरफ है, बड़ा मूव दे चुका है, बड़ा मूव देने के बाद अब वहाँ पे बायर जो है वीक पड़ रहे हैं और अब यहाँ पे इस तरीके की हैंगमैन कैंडल जो है वो फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे नीचे की तरफ एक बड़ा मूव देखने को हमें मिल सकता है और उसको हम पकड़ेंगे। तो बड़े सारे स्टॉक्स के अंदर से हमें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे इकट्ठे करने हैं जो कि हमें बड़ा मूव दे सकते हैं। तो गाइस अगला जो स्टॉक है वो है किरी इंडस्ट्रीज का, और यहाँ पे भी देखिए हमें हैंगिंग मैन देखने को मिल रहा है, पर ये एक राइट एग्जांपल नहीं है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है इतनी हाई नहीं है, हालांकि गिरावट जो है लगातार आ रही है, गिरावट जो है लगातार आ रही है और यहाँ पे हैंगिंग मैन बन रहा है, पर मैं इसमें यहाँ पे एंट्री नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि अगर गिरावट के बाद कोई यहाँ पे रिट्रेस करता, अगर ऊपर की तरफ जाता, ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पे हैंगिंग मैन बनाता, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है इसकी बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक इसी चार्ट के ऊपर नज़र भी आ रहा है कि ये ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पे इसने हैंगिंग मैन बनाया और उसके बाद यहाँ पे बड़ी गिरावट आ गई। यहाँ पर किसी ने भी एंट्री की होती तो वहाँ पर बढ़िया पॉइंट्स उसके निकले होते। ओ गाइस हमेशा से मैं यही बोलूंगा, आप लोगों को बार बार ये चीज़ बोलूंगा कि इसमें छोटे पॉइंट्स नहीं लेने होते, बड़े पॉइंट्स ही कैप्चर करने होते। और यहाँ पे भी देखोगे आप जितने आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर 10 पॉइंट भी निकले तो 10 पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ये 3% है, मतलब 325 वाला स्टॉक है और यहाँ पे 10 पॉइंट जो है 3% बनते हैं। तो यहाँ पे एक दो पॉइंट लेकर नहीं निकलना होता, एक दो पॉइंट के लिए ट्रेडिंग नहीं होती, एक दो पॉइंट जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इसका मतलब वापस जाओ, प्रैक्टिस करो, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक आपको लाइव मार्केट में जाकर ये चीज़ें जो है नहीं करनी होती। किसी भी सेटअप में, किसी भी स्ट्रेटेजी में काम करो मेरे भाई, कॉन्फिडेंस जो है पहले गैदर करो, कॉन्फिडेंस जो है पहले लेके आओ, उसके बाद उस सेटअप को, उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करोगे तो आपका मजा जो है वही अलग होगा, आपको मजा आएगा ट्रेडिंग करने में, राइट। चलिए गाइस चलते हैं, आई होप आपको ये सेटअप और स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। भाई पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ मुझे बता भी देना कि आप अगर चाहते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी मैं कंटिन्यू करूँ, वो भी आगे बनाऊँ, जहाँ पे हम नीचे की तरफ किस तरीके का चार्ट फॉर्मेशन होता है, नीचे की तरफ किस तरह का पैटर्न बनता है, जो कि हमें ऊपर की तरफ एक वी शेप रिकवरी का साइन देता है, और इसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, इसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।